हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैंगो बर्फी बनाने जा रही हूँ। अभी गर्मी का सीज़न है, लोग को आम बहुत पसंद है, तो मैं सोची कुछ डिफरेंट बना के आपको बताऊँ। चलिए आज मैं आपको मैंगो की बर्फी बनाना सिखाती हूँ। टू टेबल स्पून मिल्क पाउडर, टू टेबल स्पून शुगर लिया, मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, उसमें काजू है, पिस्ता बादाम है और मूंगफाड़ा लिया है, 2 बड़े साइज के मैंने आम लिए हैं। आइए हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लेते हैं। आपको ड्राई फ्रूट को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है, ज़्यादा आपको पीसना नहीं है। और जो मैंने पिस्ताशियो रखा है वो मैं डेकोरेशन के लिए रखा है। सबसे पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, जो ड्राई फ्रूट मैंने रखा था। ऑलरेडी मैं ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिया है, ये देखिए दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो आप इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर ले रहे। ये मैंने आम ऑलरेडी वॉश करके रखा है, आप इसे कट कर ले। आप इस तरह से आम को कट करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि आपको इसे ग्राइंड। लेकिन आप ध्यान रखें, आप रेशा वाला आम ना ले, आप कोई सा भी आम ले, अगर रेशा वाला आम ले तो उसे अच्छा से आप पल्प निकाल ले, उसे अच्छा से छान ले। ये देखिए बहुत इजी है, आप ऐसे कट करेंगे तो इजी प्रोसेस में आप ये देखिए आप कट कर सकते हैं, बहुत इजी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आम को ऑलरेडी कट करके रख लिया, अब उसे मैं मिक्सर में ट्रांसफर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे पेस्ट बनाना है। ग्राइंड कर ले रही हूँ। आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि मुझे सिर्फ बल्ब चाहिए। इसको ऑन कर ले, घी को गर्म होने दे। आप घी गर्म हो चुका है, मैंने जो मैंगो पल्प ऑलरेडी ग्राइंड कर रखा था वो मैं इस बॉल पे ऐड कर। आप इसे धीमी आंच में चलाते रहें, कंटिन्यू। देखिए ये चिपक नहीं रहा है, तो आप इसे स्लो स्लो चलाते रहें। जब ये हाफ हो जाए उसके बाद आप मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट ऐड करें। आप चाहे तो इसमें नारियल भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये पैन में सटे ना, और आपको इसकी कंसिस्टेंसी हाफ करनी है। अभी गर्मियों में लोग बहुत आम को पसंद करते हैं, मैंने सोचा कि चलो कुछ आम की रेसिपी आपको बताओ, और ईजी, और ये बहुत ही ईजी, आप 10 से 15 मिनट में घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी कमेंट्स है, अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या कोई सबको सुझाव देना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में मेंशन करें। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, लेकिन अगर आपको आम की बर्फी बनानी है तो आप नॉनस्टिक का पैन ही लें, अदरवाइज दूसरा पैन लेंगे तो उसमें चिपकने लगेगा। ये देखिए इसमें बबल आने लगा है। अब आप शुगर को ऐड कर दें, मैंने 2 टेबल स्पून शुगर लिया है, आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर लें। आप शुगर को अच्छे से मिक्स करें। मैंने जो ड्राई फ्रूट दरदरा पीस के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो मैंने मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून रखा है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें मिल्क पाउडर ऐड करके, ताकि वो नीचे चिपके ना। 15 मिनट हो गया, ये देखिए पूरा स्टिकी हो गया इस तरह से। देखिए जब ये चिपकना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका बर्फी रेडी है। अभी ये हल्का हल्का चिपक रहा है, अभी भी आपको अप्रॉक्स 15 मिनट इसको प्रॉपर स्लो फ्लेम में कुक करना है। ये देखिए अभी ये चिपकना बंद हो गया नीचे से। अगर ये चिपकना बंद हो जाए तो समझिए आपका बर्फी वो रेडी है। आप इसे कोई भी सर्विंग बॉल में आप ट्रांसफ़र कर लें। ये देखिए किसी साइड से भी ये चिपक नहीं रहा, तो ये आपका बर्फी रेडी है। ये देखिए ये रेडी होने वाला, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 मिनट और आपको कुक करना है। आप एक सर्विंग बॉल या प्लेट ले लें, उसमें मैंने सिल्वर फॉल लगा के रखा है, और ऐसे घी आप स्प्रेड कर लें ताकि आपका जो बर्फी है वो नीचे चिपके नहीं।
हर एक साइड से आप। अब बस आपको थोड़ा सा ब्रश में घी लेना है, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा सिल्वर पर इसे रखा है ताकि आपको निकालने में आसानी हो, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए अब ये चिपकना बंद हो गया, इसमें सारा तेल छूटने लगा है। हर साइड से देखिए आप, इसमें ट्रांसफ़र कर ले। ये थोड़ा गर्म है, आप एक ब्रश की मदद से इसे स्प्रेड कर ले अच्छी तरह से। अब मैंने बर्फ़ी को सेट कर लिया, आप किसी चीज़ से भी गार्निश कर ले, आपको सिल्वर तबक है या ड्राई फ्रूट, मैं ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। ये पिस्ताशियो है, आप इसे एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दे, जमने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। अब एक घंटा हो गया है मैंने जो बर्फ़ी रखा था, ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बर्फी रेडी हो गया, अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे देखिए आप जिस तरह से जो शेप में आप चाहते हैं उस शेप में आप उसे कट कर ले। अब आप इसे सिल्वर फॉइल से निकाल लें।